ये देखिए एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 10, इसमें साइन टू द पावर 4 एक्स डी एक्स। तो देखिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर अब इसको क्या करें। तो देखिए साइन में कोई फार्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन में कि साइन पावर 4 में हो तो हम उसको कर लें या साइन स्क्वायर में हो तो कर लें। तो उसके लिए आपको उस स्क्वायर वाले को ब्रेक करके नॉर्मल फॉर्म में लाना होगा। तो पावर 4 का तो कोई नहीं है, पावर 4 का कोई नहीं है तो आपको यहाँ पे स्क्वायर से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2x। ये फार्मूला बताया भी गया था क्योंकि cos 2x इक्वल्स क्या बताया गया था 1 माइनस 2 sin² x। तो यहीं से जब निकालेंगे तो आपको ये फार्मूला है, तो इसलिए ये फार्मूला रख दिया गया, ये हो गया। अब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, 1/4 को हमने बाहर लिख दिया और इसका होल स्क्वायर है वैसे ही रहने दिया, यहाँ की एक्स रहेगा। और इसको जब आगे चलेंगे तो ए माइनस बी जो होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस 2b + b² dx हो गया। अब ये यहाँ पे रख गया और अब सबका देखिए ये प्लस में हो गया, ये सबको अलग अलग कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन इसका अलग और इसका। तो देखिए इन दोनों का हम आराम से कर सकते हैं, यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स और एक cos x का sin x हो जाएगा। फिर यहाँ स्क्वायर आएगा, फिर इस स्क्वायर का नहीं होगा, तो फिर इस स्क्वायर के लिए फिर ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे cos 2x का एक और फार्मूला होता है 1 - 2 cos² x - 1। ये देखिए एक्चुअल में ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला क्या है, cos आगे cos स्क्वायर आगे ये cos स्क्वायर 2x। तो देखिए cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर से आप फार्मूला यहाँ बना सकते हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा इतना अपॉन में 2 आ जाएगा इक्वल cos स्क्वायर से। देखिए cos स्क्वायर x के लिए ये का क्या आ जाएगा, ये सब को कहां से है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 था, तो ये इसका जब डबल होगा तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ 1.2 कॉमन ले लिया गया और इसका अलग हो गया तो ये dx आ जाएगा और इसका अलग हो गया, इसी तरीके से इसका x हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा sin x हो जाएगा अपॉन में 2। ये कर लिए, ये दोनों देखिए लाइक टर्म था इसको ऐड कर दिया, एक्स प्लस एक्स बाई टू मिल के 3x/2 हो जाएगा और ये ऐसे ही हो गया, ये ऐसे हो गया। अब इसमें जो है ये 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये कॉन्स्टेंट लास्ट में जोड़ना ही है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, बस ये थोड़ा सा लेंदी होता है, इसको प्रोसेस में लाना पड़ता है कि किस तरीके से हम करें कि ये जो है उस फॉर्म में आ जाए। मतलब जैसे खाना आप खाते हैं तो खाना खाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाते हैं और उसको ला के बनाना पड़ता है ताकि वो खाने के लायक बने, नहीं कि दालें खा लिए सर सिर्फ जो है वो कच्चा चावल खा रहे हैं, कच्ची सब्जी खा रहे हैं, उसको पकाना पड़ता है। तो यही है, इसको आपको पका के उस फॉर्म में करेंगे तब जाके ये बनेगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को बताना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ नहीं करना है, यही है cos 2x माइनस cos 2α और cos α माइनस cos x माइनस cos α। देखिए इसके ये फार्मूला आपने लगा दिया और इसके ये लगा दिया, यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो गया, इसे कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया गया और ये इसको जो है a² - b² में फार्मूला पर लगा दिए, प्लस ये माइनस हो गया, इसे ये कैंसिल हो गया। इसे जब कैंसिल हो गया तो बच्चा क्या है, ये और ये, तो इसको अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग कर दिए। आप लोग ये पूरा लगा लिए होंगे, आपको यही पे प्रॉब्लम आ रही होगी। तो देखिए इसका जो है आपने साइन एक्स कर दिया और ये देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर चला आएगा, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, ये हो गया डी एक्स और ये साइन एक्स के लिए साइन एक्स और ये कॉस ये हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका हो जाएगा एक्स। अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 साइन एक्स और ये 2 यहाँ पे एक्स को आगे कर दिया और ये कॉस का प्लस सी हो गया, ये आंसर आ गया। तो ये इजी था, बस आपको यही पे समझना था, क्योंकि अब आपको कैसे पता है कि सर ये कॉन्स्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है अगर उसके अलावा कोई अगर वेरिएबल है तो वो सब कॉन्स्टेंट मान लिया जाता है। यहाँ एक्स है और यहाँ अल्फा है, इसको हमने क्यों नहीं कॉन्स्टेंट मान लिया, क्योंकि ये एक्स है और ये भी एक्स है तो ये कॉन्स्टेंट नहीं होगा, लेकिन इस एक्स के अलावा अगर यहाँ वाई वहाँ कुछ भी दूसरी वेरिएबल होती तो हम उसको जो है वो कॉन्स्टेंट मान, इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ट्राई करिए, बाल बच्चों के क्वेश्चन अगली क्लास में हम लोग सॉल्व करते हैं।